फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्ण अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं आरआईएमसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय इत्यादि के बारे में रोचक, इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। ये जो वीडियो है, जब डेटा इस बारी आरआईएमसी दिसंबर 2023 का रिजल्ट आया, तो जब मैंने रिजल्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, जो जितने लोग अपियर हुए हैं वो देखा, इट वॉज क्वाइट रिवीलिंग फॉर मी। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कई हजार बच्चे आरएमसी का एग्जाम देते हैं, टू द ट्यून की 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपियर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना कम पॉपुलर क्यों है ये एग्जाम। तो हमने क्या किया, इस पूरे डेटा को कंपाइल किया, किस स्टेट में कितने शेर लड़ाई कर रहे हैं, कितने लोग सेलेक्ट हुए, तो ये सब चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। और जो भी बच्चा 6 कर चुका है, 7th पे गया है, या इस साल अभी 6 में आया है और दिसंबर के लिए वो आरएमसी के एलिजिबल है, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स आरएमसी का एग्जाम अपने बच्चे को तैयारी करवाएं और दिलवाएं। उनमें 99.999 जितने भी लगा सकते हैं उतने परसेंट चांसेस हैं कि 1 साल की कोचिंग करेगा, 2 साल की कोचिंग करेगा, बच्चा आरएमसी में नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये एग्जाम इतना प्रेस्टिजियस है, इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि बच्चे का जो वैल्यू एडिशन होता है उसकी लाइफ में, उसका जो एकेडमिक अपग्रेड मिलता है, दैट इज इमेंस एंड दैट इज वॉट वी शुड बी लुकिंग। तो जब मेरे दिल को इतना झटका लगा, कारण क्या है कि बॉयज की वैकेंसीज है 25 एवरी 6 मंथ्स एंड गर्ल्स की वैकेंसीज है 5। तो मुझे लग रहा था 60-70 हजार तो बच्चे अपियर होते होंगे, लेकिन जब हमने टोटल किया कितने कैंडिडेट अपियर हुए हैं, 2851, बहुत सारे हैं जो अपियर नहीं होते हैं, बहुत सारे हैं जो फॉर्म जमा करते हैं लेकिन फॉर्म उनका एक्सेप्ट नहीं होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होती है, कहीं लेट पहुंचते हैं, कुछ ऐसे, तो 1-1.5 हजार और लगा रहते हैं, तो ये टोटल मिला के 5 हजार बॉयज भी नहीं पहुंचते। वेयर एज माय अर्लियर इंप्रेशन वॉज कि कई लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंड इसमें से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुए पास इज 48। आरएमसी का एग्जाम टफ है, 200 नंबर मैथ्स के एंड मैथमेटिक्स का। अगर आप जून एंड दिसंबर 23 का पेपर देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड, इतना टफ पेपर है। और मैथ्स का सब्जेक्टिव पेपर है, स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, इंग्लिश का सब्जेक्टिव पेपर आता है, इंग्लिश का पेपर होता है 125 नंबर का है, लेकिन खत्म ही नहीं कर पाता बच्चे, इतना लंबा पेपर आता है। एंड जीके या जीएस जिसको कहा जाता है, वो 75 मार्क्स का है, वो केवल एमसीक्यू वाला होता है, उसमें भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो अभी उन्होंने एमसीक्यू वाले में भी कई मैथ्स के, कई लॉजिकल के, कई इंटेलिजेंस ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन भी डाले, विच आर नॉट वेरी सिंपल टू आंसर। आरएमसी के लिए आपको एक्सटर्नल हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यदि आप एक गाइड बुक खरीद लें, प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लें, सिलेबस का एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लें, या हमारा कोई ऐप पे वीडियो कोर्स खरीद लें, बहुत रीजनेबल प्राइस में, ऑलमोस्ट फ्री में आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आरएएमसी के लिए वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। आरएएमसी इज अ वेरी डिटेल्ड काइंड ऑफ सिलेबस एंड 8th और 9th लेवल के मैथ्स में सवाल पूछे जाते हैं। आर डी शर्मा कर रहे हैं, आर एस अग्रवाल कर रहे हैं, जब बच्चे वो कर रहे थे बिल्कुल ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स आ रही थी, अभी उन्होंने किसी अमेरिकन किसी स्कूल से किसी उससे कोई बुक ले लिया है जहां से रीजनिंग के बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल उठाने शुरू कर। सो जो आरएएमसी और पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, पहले 30 क्वेश्चन पूछते थे, अभी 20 पूछ रहे हैं, एंड मैथमेटिक्स पेपर इज नॉट वेरी सिंपल। एंड सबसे जो बुरी और अच्छी बात क्या है कि 50% पासिंग मार्क्स हैं, कोई रियायत नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि एससी एसटी का कट ऑफ अलग है, ओबीसी का अलग है, डिफेंस का अलग है, ऐसा कुछ। तो यहां पर ये पूरा मेरिट बेस्ड है, 50% मार्क्स अगर आपका बच्चा नहीं लाया, चाहे वो इंडिया में कहीं भी स्टैंड करता हो, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जब आप स्टेट वाइज देखेंगे, तो मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कैसे लोग कहते हैं हर स्टेट में एक वैकेंसी होती है, तो अगर उस स्टेट में कोई निकला ही नहीं तो वो वैकेंसी जनरल पूल में चली जाती है, और जनरल पूल में कैसे सिलेक्शन होता है वो ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर किया जाता है, उस पर हम आगे चलकर चर्चा करते हैं। इसको हम कर देते हैं क्लीन, आगे चलते हैं जी। साउथ जोन ये गर्ल्स का है, 112 बच्चियों ने ही अपियर किया, 112 बहुत कम नंबर है। ईस्ट जोन 55, नॉर्थ जोन, क्योंकि नॉर्थ में थोड़ा आरएमसी खुद नॉर्थ जोन में लोकेटेड है, तो यहाँ 369 है, लेकिन ये कम से कम मैं चाहता था हर जोन से 1000-1500 बच्चियां होनी चाहिए जो अपियर करेंगी। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपके चांसेस बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। अब ये देखिए कि कितनी क्वालिफाइड है, साउथ जोन से 1 ही हुई है, ईस्ट जोन से 2 हुई है, सेंट्रल जोन से 6 हुई है, वेस्ट जोन से 1 भी नहीं हुई है। तो ये वैकेंसी जो वेस्ट जोन की है वो जनरल पूल में चली जाएगी, और यहां पर नॉर्थ जोन और जो सेंट्रल जोन है इनमें काफी लड़ाई है।
छह बच्चियां सेलेक्ट हुई हैं, तो यहाँ पर आप अपने आप देख सकते हैं कि दीज पीपल विल हैव टू डू वेरी वेल इन दी आरआईएमसी इंटरव्यू। आरआईएमसी इंटरव्यू का हमारा जो प्रिपरेटरी कोर्स है फर्स्ट टू टेंथ में कंडक्ट किया जाएगा। इफ़ यू थिंक कि आपके बच्चे को हमारी असिस्टेंस की जरूरत है उन 50 नंबर को स्कोर करने के लिए, पक्का हमसे संपर्क करें, कंपलसरी कुछ भी नहीं। आंध्र प्रदेश बॉयज अटेम्प्ट 97, अरुणाचल प्रदेश 12, असम 43, बिहार 212 और उसमें 7 बच्चे निकले हैं, छत्तीसगढ़ 31-0, दिल्ली 83 में से एक भी बच्चा निकले। सो जो लोग कहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, ये रिजल्ट आपको बताते हैं कि किस स्टेट के बच्चे कैसा आरआईएमसी पर परफॉर्म करते हैं। और ये गांव लिखा है, एक्चुअली गोवा होना चाहिए, इसके 3 हैं लेकिन उनमें से और 3 ही हुए हैं। गुजरात 69 में से एक हुआ है, हरियाणा में बहुत पॉपुलर है 291 में से 6 सेलेक्ट, हिमाचल से 120 में से 3, जम्मू कश्मीर में 114 में से 2, झारखंड में 29 में 1, कर्नाटका 46 में 1, केरला में 14 में से 0, मध्य प्रदेश 123 में 4, महाराष्ट्र 265, अगेन वेरी वेरी पॉपुलर है महाराष्ट्र में डिफेंस वाले सारे जो स्कूल्स हैं, 5, मणिपुर में 36 में 0, मेघालय 10। यहाँ देखिए एक ही बच्चे को पता है, मतलब बाकी ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को पता नहीं, लेकिन स्कूल लेवल पे हम लोग मोटिवेट नहीं करते हैं और इस आरएमसी के बारे में इंफॉर्मेशन का अभाव है। मिजोरम 7 में से 0, नागालैंड 1 में से 0, ओडिशा 25 में से 2 बच्चों का निकलना बताता है कि कितना सीरियसली बच्चे तैयारी करते हैं। पंजाब 88 में से 0, जबकि पंजाब में आरएमसी इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर चॉइस लेकिन निकले नहीं। राजस्थान में भी बहुत पॉपुलर है 176 में 3, सिक्किम 40, तमिलनाडु 85-0, तेलंगाना 59-0, त्रिपुरा 80, उत्तर प्रदेश जहाँ की सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहाँ 413 बच्चे अपेयर और केवल 7 बच्चे निकले हैं। उत्तराखंड अगेन बहुत पॉपुलर है, उत्तराखंड में 338 में से केवल 2 निकले हैं। वेस्ट बंगाल में 32 में से 2, यहाँ 10 है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ 15, अगेन दिल्ली जैसा है वैसे चंडीगढ़ भी है, लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज कि वहां से क्यों नहीं आया बच्चा। और पुदुचेरी 9 में से 0, दादरा नगर हवेली 1 में से 0। और खुशी की बात यह है कि जो विनिंग एज अकेडमी है, डिफेंस अकेडमी जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, हमारी एक लड़की है बनी के सिंह या बानी के सिंह, वो क्वालिफाई कर गई है, और एक हमारे भाई साहब है सत्यम कुमार जो क्लियर कर। तो मेरे अगर 45-50 का जो बैच था उसमें से 2 बच्चे निकल गए, आई एम वेरी वेरी हैप्पी है, मैं किसी भी स्टेट से अच्छा कर रहा हूँ। हमारे ये ऑनलाइन बच्चे हैं और हम केवल दिन में 2 घंटे पढ़ाते हैं। तो आरएमसी का जो अगला बैच शुरू होगा 2 जून से स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा पेरेंट्स जो अगले जून के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस जून के बैच को ज्वाइन करें। आरएमसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बच्चों को 2-3 पूरा रिविजन और मॉक टेस्ट कराना आवश्यक है। तो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस गुड न्यूज विद यू। विनिंग इज डिफेंस अकेडमी एक बहुत नया स्टार्टअप है, लेकिन हम कंटेंट वाइज, हम डिलीवरी वाइज बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे हैं, और ऑनलाइन कोर्स करके दिन में केवल 2 घंटे जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसमें अगर मेरे 2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और इससे पहले 7 बच्चे और हो चुके हैं, 5 ज्वाइन कर चुके हैं, 2 मेडिकल में रिजेक्ट हो गए, वो 3 साल में 8-9 बच्चे सेलेक्ट होना इज ऑल व्हाट वी हैव अचीव्ड। बिकॉज हमारा सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट जिसके बैचेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट भी वैसे ही है। आरएमसी का बैच 1 या 2 बैचेस चलते हैं, उनमें से अगर 2 बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो एक चीज को सब्सटेंशिएट करते हैं कि हम जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, हमारे जो टीचर्स इस लाइन पर बच्चों को लेके जा रहे हैं, एंड ये बिल्कुल बिना स्ट्रेस दिए 2 बच्चों का क्वालिफाई करना, ये हमें अपने हमारे में फेथ जगाता है कि हम बिल्कुल सही काम करें। तो आपको आरएमसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, पक्का आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को ढूंढते रहेंगे, और एक बार आप इस प्रकार के जानकारी वाले वीडियोस देखना शुरू करेंगे यू विल गेट एडिक्टेड, बिकॉज द इन्फॉर्मेशन दैट वी शेयर इज वेरी वेरी ऑथेंटिक, वेरी अपडेटेड, एंड ऑलमोस्ट, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% एक्यूरेट है, लेकिन 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी है हमारी वीडियोस की। सो दिस इज ऑल दैट आई हैव इन दिस वीडियो, यू मे हैव एनी क्वेरीज, सो मेरा नंबर स्क्रीन पर भी मैं लिख देता हूँ, आपकी नीचे इस पट्टी पर आ रहा है, दैट इज 7417655633, एंड इस पे आपने ओनली व्हाट्सएप करें, बस व्हाट्सएप करिएगा विद इन 24 hours 48 hours, अभी थोड़ा प्रेशर कम हो गया तो 24 से 48 घंटे के अंदर हम जवाब देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस के जवाब मैं खुद देता हूँ, बाकी जो रूटीन मैसेज होते हैं मेरी पूरी टीम जवाब देती है, लेकिन जो आपकी क्वेरीज होते हैं विच आर टेक्निकल इन नेचर, विच आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर, पक्का आई मेक एन एफर्ट टू रिप्लाई टू दोस। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। Thank you.